हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ प्रिया, आप देख रहे हैं प्रिया ब्लॉग्स। एक क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत बार पूछा गया है, वो है कि बच्चों को दूध कैसे पिलाया जाए, उसके अंदर कौन सी चीज़ें मिक्स की जाए, कौन से इंग्रेडिएंट्स या फिर कौन सा पाउडर यूज़ किया जाए जो उनके लिए अच्छा हो, दूध को टेस्टी बनाए, साथ ही साथ सारी नरिशमेंट भी उनको मिल जाए। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी पूछा गया है कि मैं वियन के लिए क्या यूज़ करती हूँ, तो आज का वीडियो उसी रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वियन जब छोटा था, हम लोगों ने उसे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाया, तब हम लोगों ने उसे बॉटल के अंदर दूध पिलाना स्टार्ट किया था। एंड जब हम लोगों ने बॉटल उससे छुड़वाई तो उसने दूध पीना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। सो उस दौरान जब उसने दूध पीना बंद किया था, हम लोगों ने डिफरेंट पाउडर्स ट्राई किए थे कि वो दूध पीना फिर से स्टार्ट कर दे, एक अच्छा सा फ्लेवर आया और उसे अच्छा लगने लगे दूध। तो उस दौरान हम लोगों को एक पाउडर मिला जिसका नाम है वी नरिश। सो वियन तभी छोटा था तो हम लोगों ने स्टार्ट किया वी नरिश पीडिया प्लस, एंड उसकी जो एज की रेंज है वो है 2 to 5 years। और उसके अंदर दो फ्लेवर्स अवेलेबल थे, स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट, तो वियन को वो दोनों ही पसंद थे। और अभी वियन रिसेंटली हो गया है 5 years का, तो हम लोग उनका जो दूसरा वाला स्टेज है जो 5 years प्लस के किड्स के लिए जो अवेलेबल है वो हम लोग लेकर आए, एंड हम लोग ने वो स्टार्ट करवाया है। तो उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, देन चोको कुकी है, बादाम है, एंड डिफरेंट और भी फ्लेवर्स है। सो उससे वो बहुत ही अच्छे से दूध पी लेता है और मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया है उसके बाद उसे एवरी सिंगल डे दूध पिलाना। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि दिन में मैं 2 times उसे दूध पिला दूँ, सुबह स्कूल जाने से पहले एंड रात को सोने से पहले। तो मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या है एंड उसके सारे डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे आखिर बच्चे होते हैं, फुल ऑफ मस्ती एंड एनर्जी, तो इसी तरह उनकी एनर्जी बनी रहे उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बैलेंस डाइट ले और साथ ही साथ वो दूध भी पिए, क्योंकि दूध के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम एंड विटामिन डी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बिल्डिंग बोन्स के लिए। और ट्राई करें कि एटलीस्ट वो दिन में 2 बार तो वो दूध पिए ही पिए। सो ये है वो पाउडर जिसका नाम है वी नरिश और इसका फ्लेवर है चोको कुकी फ्लेवर। इसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी, केसर पिस्ता और बादाम में भी ये अवेलेबल है। इसके अंदर जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है ये, इसके अंदर बिल्कुल भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, नो प्रिजर्वेटिव्स एंड नो सिंथेटिक कलर्स एडेड। साथ ही साथ इस पाउडर को सिर्फ आपको दूध के साथ मिलाना है, इसके अंदर आपको शुगर बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इस ड्रिंक के अंदर। और सबसे ज़्यादा ये ठंडे दूध के साथ अच्छी लगती है। और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो इसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर है 35 न्यूट्रिएंट्स, हाई प्रोटीन, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, एलोवेरा एंड अश्वगंधा। इसी के साथ साथ इसके अंदर है 40 न्यूट्री बूस्टर हेल्प सपोर्ट जो हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी, गुड डाइजेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए इसके अंदर हाई प्रोटीन है, एंड साथ ही साथ है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। अभी मैं बनाऊंगी 1 glass दूध और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर दी गई है ये स्पून, तो ये पूरी स्पून भर के पाउडर लेना है और उसे मिक्स कर लेना है दूध के साथ। तो अभी मैंने ठंडा दूध लिया है, इसे आप चाहे तो गर्म दूध या ठंडे दूध दोनों के साथ ये ड्रिंक बना सकते हैं, बट स्पेशली ये ठंडे दूध के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। एंड इसे सिर्फ मिक्स कर लेना है अच्छे से और ये हो गई है ड्रिंक तैयार। अभी ये वियन इसे पी लेगा। तो मुझे सबसे अच्छी बात इस प्रोडक्ट की ये लगती है कि जैसे इस प्रोडक्ट का फ्लेवर है चोको कुकी, तो जैसे हम लोग इसे पीते हैं तो इसके छोटे छोटे चंक्स आते हैं कुकीज़ के। जब भी हम लोग स्ट्रॉबेरी वाला लेते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रॉबेरीज के चंक आते हैं, बादाम में बादाम के चंक्स आते हैं, तो वो पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स या फिर कलर नहीं है, आपको शुगर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये पाउडर को ऐड करना है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और इस वजह से ही मैं वियन के लिए ये यूज़ करती हूँ। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके आसपास के कोई भी स्टोर में ये मिल जाएगा। एंड अगर मुझे उसकी लिंक मिल जाएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। सो या दैट्स इट गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इस वीडियो के बारे में, साथ ही साथ आपके बच्चे कौन सा ड्रिंक पीते हैं, उन्हें कौन सा पर्टिकुलर फ्लेवर पसंद है, तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।